हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप खैरियत सुनो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने आईफोन 12 की प्राइस के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम सैमसंग की प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सैमसंग का एक नया मोबाइल भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है सैमसंग S21 FE 5G वाला वेरियंट, जो कि S20 FE का सक्सेसर है। काफी ज्यादा अच्छा मोबाइल है, कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले टॉप नॉच, कमाल का फोन है। और उसकी प्राइस भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बाकी जितने भी सैमसंग के मोबाइल हैं उनकी प्राइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ, और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हम बढ़ते हैं अपनी प्राइस की तरफ। जी तो गाइस, प्राइस की तरफ चलते हैं और जो सैमसंग का न्यू मोबाइल आया सैमसंग S21 FE 5G वाला वेरियंट, उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अब प्राइस की तरफ चलते हैं। तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 6GB 128GB वाला वेरिएंट और एक 8GB 256GB वाला वेरिएंट। प्राइस का इतना कोई फर्क नहीं है दोनों के दरमियान। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 8GB 256GB वाला लें, क्योंकि प्राइस का इतना कोई गैप नहीं है। तो मैं आपको प्राइस बताता हूँ। तो 6GB 128GB वाला वेरियंट जो है वो आपको मिलेगा 2150 दिरहम्स का, जबकि 8GB 256GB वाला वेरियंट आपको मिलेगा 2450 दिरहम्स का। तो आप ज्यादा बेहतर है कि आप 8GB वाले पे जाएं। तो यही दो वेरिएंट्स आते हैं इसमें सैमसंग S21 FE 5G वाले वेरिएंट में। और अब चलते हैं सैमसंग S20 FE, जो कि पुराना वाला वेरिएंट है। तो सैमसंग S20 FE में भी दो वेरिएंट्स हैं, एक 4G वाला वेरिएंट और एक 5G वाला वेरिएंट। तो पहले मैं आपको 4G वाले वेरिएंट की प्राइस बताऊंगा। तो सैमसंग S20 FE 128GB 4G वाला वेरिएंट जो है वो आपको मिलेगा 1490 दिरहम्स का, 1490 दिरहम्स का। और अगर आपने 5G वाला वेरिएंट लेना है तो S20 FE 128GB 5G वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 1750 दिरहम्स का, 1750 दिरहम्स का। तो ये होगी S20 FE की प्राइस। और अब चलते हैं सैमसंग S21 पे। जी तो गाइस, अब सैमसंग S21 पे चलते हैं। तो सैमसंग S21 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 2550 दिरहम्स का, 2550 दिरहम्स का। और इसमें 256GB वाला वेरिएंट भी आता है। सैमसंग S21 256GB वाला वेरिएंट जो है वो आपको मिलेगा 2790 दिरहम्स का, 2790 दिरहम्स का। इतना कोई ज्यादा गैप नहीं है 128GB और 256GB वाले में। वो फिर आपकी चॉइस आ गया कि आपने 128GB वाला लेना है या 256GB वाला लेना है। अब नेक्स्ट मोबाइल पे चलते हैं, जो कि है सैमसंग S21 Plus। जी तो गाइस, अब सैमसंग S21 Plus पे चलते हैं। इसमें 128GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है। तो 128GB वाला वेरिएंट सैमसंग S21 Plus का आपको मिलेगा 2790 दिरहम्स का, 2790 दिरहम्स का। और इसमें 256GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। तो 256GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 3050 दिरहम्स का, 3050 दिरहम्स का। तो ये होगी सैमसंग S21 Plus की प्राइस। और अब चलते हैं सैमसंग S21 Ultra पे। जी तो गाइस, अब सबसे बड़े भाई पे चलते हैं इस सीरीज के, सैमसंग S21 Ultra 5G। और इसमें एक ही वेरिएंट आता है, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज। इसमें रैम को बढ़ा दिया गया, 12GB कर दी गई है। और सैमसंग का बीस फोन है, गेमिंग के लिहाज से, कैमरा के लिहाज से टॉप नॉच, बहुत कमाल का फोन है ये। और सैमसंग S21 Ultra 5G 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, वो मिले आपको 3690 दिरहम्स का, 3690 दिरहम्स का। तो ये हो गया सैमसंग की एस सीरीज सारी कंप्लीट। और अब जरा इससे भी ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स पर चलते हैं, जो कि है सैमसंग Z Flip 3 और Z Fold 3। जी तो गाइस, अब सैमसंग Z Flip 3 पे चलते हैं। 128GB वाला वेरिएंट इसमें अवेलेबल है। सैमसंग Z Flip 3 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 2790 दिरहम्स का, 2790 दिरहम्स का। और Z Flip 3 में इनके पास 256GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। तो 256GB वाला वेरिएंट सैमसंग Z Flip 3 को आपको मिलेगा 3050 दिरहम्स का, 3050 दिरहम्स का। ये दो वेरिएंट्स है Z Flip 3 के। और अब चलते हैं सैमसंग Z Fold 3 पे। सैमसंग Z Fold 3 पे चलते हैं, जो कि अभी सैमसंग का एक्सपेंसिव और सबसे फ्लैगशिप फोन है Z Fold 3। तो सैमसंग Z Fold 3 की प्राइस पहले से ड्रॉप हो चुकी है। तो इसमें भी दो वेरिएंट्स इनके पास अवेलेबल हैं, 256GB वाला वेरिएंट और 512GB वाला वेरिएंट। तो दोनों की प्राइस मैं आपको भी बताता हूँ। 256GB वाला वेरिएंट जो है वो आपको मिलेगा 5250 दिरहम्स का, इसकी प्राइस पहले से लेस हो गई है। अगर आपने 512GB वाला लेना है तो 512GB आपको मिलेगा 5650 दिरहम्स का, 5650 दिरहम्स का। तो अब हो चुके हैं सारे प्राइजेस कंप्लीट सैमसंग के फोन्स की। तो उम्मीद आपको प्राइस पसंद आई होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिया करो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।